Hey everyone, in the last class we talked about electrochemical series and its applications. Today we are going to start with a very important topic which is Nernst equation. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जब भी क्वेश्चन आता है तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन से ही आए. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. देखो, नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी हाफ सेल के लिए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, या फिर किसी भी फुल सेल के लिए उसका सेल पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन. ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. It is just the potential difference that develops between a metal electrode and its electrolytic solution, right? इसी potential difference को हम क्या कहते हैं? Electrode potential. अब अगर यही electrode potential स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर किया जाए, मतलब कि इफ़ वी आर टेकिंग 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, 1 बार प्रेशर ऑफ एनी गैस इफ़ इट इज़ प्रेजेंट एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, अगर ये कंडीशंस होती हैं देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एट 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और इसको कैलकुलेट करने का मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो शी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? कोई भी हाफ सेल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं. यही हमने देखा था लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ पे ही बनी है, राइट? तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ क्या हैं? ये फिक्स वैल्यूज़ हैं. तो अगर हमें किसी भी हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन इज़ अदर देन 1 मोलर, तो वो हम कैसे करेंगे? यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन, राइट? ऐसे ही सेल पोटेंशियल भी हम निकाल सकते हैं. देखो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमने देखा था ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, राइट? तो जब हमें ई नॉट की वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता है, तो वो हम कैथोड के लिए और एनोड के लिए पुट करके ई नॉट सेल ईजीली निकाल सकते हैं, राइट? बट व्हाट इफ हमें सिर्फ ई सेल निकालना है? ई सेल क्या हुआ? ई सेल इज द सेल पोटेंशियल या फिर emf at any concentration, cell potential या फिर emf at any concentration. जबकि ये ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड emf. और इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? 1 मोलर. तो ये तो इजीली निकल जाएगा, बट ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे? अगेन विल डू दिस यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन. मैं यहाँ पे एक हाफ सेल रिएक्शन लिख लेती हूँ. Mn+ गेन्स n इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स मेटल m. तो मैंने किसी भी हाफ सेल के लिए, जैसे कि मैंने ये हाफ सेल ले लिया, इसके अंदर मेटल रॉड m डिप्ड है और सोल्यूशन है Mn+ आयंस का. ठीक है, तो ये Mn+ आयंस आर गेनिंग n इलेक्ट्रॉन्स और मेटल m में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे मैंने ये रिडक्शन रिएक्शन ली है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लिखते हैं वो रिडक्शन के टर्म्स में ही लिखते हैं, राइट? इसीलिए जो रिएक्शन ली है वो रिडक्शन रिएक्शन ली है मैंने. तो अब इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो वो हम कैसे लिखेंगे? देखो ज़रा, E Mn+ से m जा रहे हैं हम, राइट? तो दिस इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT/NF ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड, राइट। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। प्रोडक्ट है हमारा मेटल M, रिएक्टेंट है हमारा मेटल आयन Mn+। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल M डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन Mn+। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ कि हर एक टर्म की यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है। देखो यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है E, दिस इज योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिया है ज़रूरी नहीं है कि वो वन मोलर सोल्यूशन ही हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेट्स से मैंने 0.01 ले ली या 0.001 ले ली, ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, तो यही हमें कैलकुलेट करना है, राइट। और E नॉट क्या है, ये तुम्हें पता ही है, E नॉट क्या है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, टेबल में ऑलरेडी गिवन है एनसीईआरटी में। तो ई नॉट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये किस पे होता है, वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होगी या फिर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है। अब आर क्या है यहाँ पे, आर इज योर गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब टी क्या है यहाँ पे, टी इज योर टेम्परेचर टेकन इन केल्विन, राइट। अब एन क्या है यहाँ पे, एन इज द number of electrons involved in the reaction, number of electrons involved in the reaction। यहाँ पे देखो Mn plus आयन जो है it is accepting n electrons, ठीक है, तो इसीलिए जितने भी number of electrons होंगे वही क्या होगी हमारी value of n, right। तो यहाँ पे n हो गया, इसके बाद क्या बचा f, f होता है यहाँ पे फेरेडेज कांस्टेंट, फेरेडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 96500 कूलम पर मोल। होता क्या है ये, इट इज जस्ट द चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, फेरेडेज कांस्टेंट। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें क्या करनी है, अब इस इक्वेशन में पुट करनी है, राइट। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे R की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 8.314, ऐसा मान लेते हैं कि टेम्परेचर इज़ 298 केल्विन। देखो तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस गिवन होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में टेम्परेचर की वैल्यू तुम्हें अलग से नहीं पुट करनी पड़ती, ज़्यादातर 298 केल्विन ही दी होती है, राइट। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 298 केल्विन, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। n डिपेंड करेगा हमारा किस टाइप का हाफ सेल रिएक्शन है, तो इसकी वैल्यू हम फिक्स नहीं कर सकते, राइट। f हो जाएगा 96500। और अब देखो यहाँ पे ln क्या होता है, ln इज योर log e, राइट। लेकिन अगर मुझे इस ln को चेंज करना है इनटू log बेस 10, तो मैं इनका रिलेशन लगा सकती हूँ। ln किसके इक्वल होता है, 2.303 log बेस 10, राइट। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, ln की जगह मैं लिखूंगी 2.303 log, तो ये हो जाएगा इनटू 2.303 log, राइट। अब देखो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड मेटल M है, ये चीज़ इसको हम मान लेते हैं एक कांस्टेंट। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड को हम क्या माना जाता है, एक कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू ले लेते हैं हम 1, ताकि जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो क्या हो जाए, इजी। तो कहीं पे भी अगर तुम्हें सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन दिख जाए तो उसे तुम क्या पुट करोगे, 1, राइट। तो इसको हम ले लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। तो अगर हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करें, यहाँ पे ये जो गिवन है, तो ये क्या आ जाएगा, mn प्लस से m माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग 1 अपॉन mn प्लस कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज आवर नर्स्ट इक्वेशन for this half cell reaction, ठीक है। ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन रहेगी इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए। ऐसे ही तुम किसी भी हाफ सेल रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो और तुम उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दिस इज ई नॉट, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि 1 मोलर। इसकी वैल्यू हमें पता होगी ऑलरेडी, राइट। और ये हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी भी हाफ सेल के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ, मैं एक हाफ सेल रिएक्शन लिख देती हूँ। लेट्स से वी आर टेकिंग Al3++3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी, E Al3+ से हम जा रहे हैं एल्यूमिनियम इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम N की जगह लिख देंगे 3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा log एल्यूमिनियम कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3+। अब सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे 1, तो डायरेक्ट मैं पुट करूँगी एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाय Al3+। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन में, तो जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको पुट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ऐसे तुम किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, राइट तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने की। अब तुम सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी देख लेते हैं। देखो ज़रा, मैंने यहाँ पे एक फुल सेल रिएक्शन लिखी है जिसमें जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में और कॉपर 2+ कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, यानी कि जिंक हमारा होगा एनोड पे एंड यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर हमारा होगा कैथोड पे, राइट तो हम इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं, Zn2+, ऐसा मान लेते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01। उसके बाद इस साइड पे हो रहा है Cu2+ से Cu, ऐसा मान लेते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, राइट तो ये हमारा हो गया फुल सेल। तो अब देखो, ऐसे रिएक्शन के लिए, फुल सेल रिएक्शन के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ई सेल। देखो अब हमें निकालना है सेल पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो ऐसे सेल के लिए अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। और कैसे लिखेंगे उसको, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 0.0591 डिवाइडेड बाय n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, राइट ये हो जाएगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही प्रोडक्ट्स लेंगे या वही रिएक्टेंट्स लेंगे जो कि हमारे आयनिक सोल्यूशन में है। तो सॉलिड तो हमें लेना नहीं है क्योंकि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 है। तो देखो ज़रा, इस साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे कौन से आयंस प्रेजेंट है। देखो Zn2+, इसी की कॉन्सेंट्रेशन हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, और इस साइड पे कौन सा आयन है CO2+। राइट, तो यहाँ पे अगर हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट द हाफ सेल रिएक्शंस। तो देखो हाफ सेल रिएक्शन लिखो जिंक वाले के लिए, यानी कि एनोड पे क्या हो जाएगा, जिंक जा रहा है Zn2+ में। तो मतलब कि अगर जिंक Zn2+ में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर रहा होगा, तभी तो ये चार्ज बैलेंस होगा यहाँ पे। राइट, तो Zn solid is going into Zn2+ plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, 2 का। ऐसे कैथोड पे देखो, कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा होगा तभी तो कॉपर में जा रहा होगा। राइट, तो यहाँ पे भी कितना है 2, तो दोनों साइड 2 ही है। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, वही इक्वेशन आ जाएगी जो मैंने ऊपर लिखी है, Zn+Cu2+ गिविंग Zn2+ कॉपर। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, 2 का, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। E0 सेल कैसे निकलेगा, E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यही होता है। राइट, अब E0 कैथोड क्या है, कैथोड पे हमारा प्रेजेंट है कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा E0 कॉपर 2+2 कॉपर माइनस, और E0 एनोड लिखेंगे मतलब कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा E0 Zn2+2Zn। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये वैल्यूज़ तो ऑलरेडी पता है टेबल से, या तो क्वेश्चन में गिवन होंगी। राइट, देखो या तो तुम्हें डायरेक्टली E0 सेल ही गिवन होता है क्वेश्चन में, और कभी कभी डायरेक्ट ये ना देके तुम्हें इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ दे देते हैं। ठीक है, तो तुम E0 सेल निकाल सकते हो और तुम फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, और E सेल यानी कि EMF ऑफ सेल या फिर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी टॉपिक पे। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, जिसमें हमें EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करना है एट 298 केल्विन, मतलब कि हमें टेम्परेचर अलग से पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो मॉडिफाइड वाला था, जिसमें हमने 0.0591 वाली वैल्यू पुट करी थी। राइट, और यहाँ पे देखो क्रोमियम से क्रोमियम 3+ जा रहे हैं एट एनोड, ये वाली साइड एनोड होती है। राइट, एंड Fe2+ से Fe जा रहे हैं एट कैथोड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो हाफ सेल रिएक्शन बनाएंगे सॉल्यूशन। तो एनोड पे हमें Cr को Cr3+ में कन्वर्ट करना है। राइट, तो रिएक्शन लिखते हैं, एनोड पे क्या हो रहा है, क्रोमियम इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Cr3+। तो यहाँ पे देखो 3+ को हमें बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। राइट, तो ये हो गई हमारी हाफ रिएक्शन एट एनोड। ऐसे ही कैथोड पे लिखो, कैथोड पे Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है इनटू Fe। राइट, मतलब कि जो Fe2+ है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तभी वो Fe में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बट अब देखो इन दोनों हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है उससे पहले हमें दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने पड़ेंगे। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। ठीक है, तो जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, देखो क्या बनेगा, ये 2Cr, ये यहाँ पे बन जाएगा 2Cr3+, ये बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या बन जाएगा, +3 Fe2 प्लस 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या बन जाएगा 3 Fe, राइट। तो ये आ गई हमारी रिएक्शन, दोनों साइड 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी हमारी फाइनल फुल सेल इक्वेशन, ठीक है। 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस गिविंग 2Cr3 प्लस 3Fe, राइट। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल निकालना है हमें यानी कि EMF, यही तो EMF होता है, दिस इज आर EMF, राइट। तो ई सेल हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। अब देखो n कितना है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ हमें टोटल देखना है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6 पुट करूँगी, आ जाएगा आगे लॉग। अब ध्यान से देखो ज़रा हमारी ये फुल सेल इक्वेशन, लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट में कौन सी आयनिक स्पीशीज़ है, क्रोमियम, तो क्रोमियम 3+ आयन है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट भी देखो, कोएफिशिएंट है इसका 2, तो यहाँ पे इसकी पार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऐसे ही यहाँ पे देखो हमारा है Fe2+ और इसका कोएफिशिएंट है 3, तो ये इसकी पार में चला जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है। अब देखो ई नॉट सेल की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, लेकिन ई नॉट सेल को कैलकुलेट करने का डेटा है हमारे पास, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ई नॉट सेल के लिए डेटा दिया है तो इसको यूज़ करो। यहाँ पे ई नॉट सेल आ जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड पे हमारा क्या है, कैथोड पे है आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये चेक कर लेना कि हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो। तो यहाँ पे देखो Fe2+ से Fe +2 से 0 जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे 3+ से 0 जा रहे हैं, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैथोड पे हो गया ये, एनोड पे हो गया ये, तो वैल्यूज़ पुट करो, कैथोड वाले की है -0.44 माइनस, एनोड पे है -0.74, तो ये है -0.74, तो ये आ जाएगा, इसमें समथिंग वैल्यू आएगी इन वोल्ट्स, ठीक है। लेट्स से कि ये वैल्यू आ रही है x, तो इस x वैल्यू को तुम पुट कर दोगे यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे और इसको लिख लेते हैं आगे, ई सेल बन जाएगा x माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 6 लॉग Cr3+, देखना ज़रा Cr3+ की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1, तो दिस इज 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है Fe2+, Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 का क्यूब, ठीक है। तो दिस इज़ आवर फाइनल इक्वेशन जो हमें सॉल्व करनी है और जो हमें वैल्यू दे देगा EMF ऑफ सेल की। तो इसको सॉल्व करके मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर आया तुम्हारा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में फिर से हमें EMF निकालना है और नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पे देखो सेल रिप्रेजेंटेशन दी है, tin getting converted to tin2+ आयन, H+ getting converted to H2, तो ये हो रहा है हमारा एनोड पे, ये हो रहा है हमारा कैथोड पे, राइट। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र निकालने के लिए हाफ सेल रिएक्शंस लिख लेते हैं दोनों साइड की, फिर उनको ऐड कर लेंगे। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, tin इज़ गोइंग इनटू tin2+, राइट। और अगर 2+2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व कर रहा होगा, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इसीलिए ये साइड भी क्या हो गई, न्यूट्रल, ये साइड भी क्या है, न्यूट्रल। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, H+ आयन इज गोइंग इनटू H2 गैस। तो सबसे पहले हम करेंगे हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे दो हैं, तो हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा। इसके बाद चार्ज बैलेंस करोगे, यहाँ पे है 2+ चार्ज, तो 2+ चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे। ठीक है, तो अगर हम फुल सेल रिएक्शन लिखें तो इन दोनों को ऐड करने पे ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो फुल सेल रिएक्शन आ जाएगी SN+2H+ गिविंग SN2++H2। ठीक है, ये हमारी फुल सेल रिएक्शन आ गई। अब इस रिएक्शन के लिए हम लिख लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ, 2 का, तो n की जगह लिख देंगे 2, आगे आएगा log। देखो प्रोडक्ट्स में कौन सा आयन है, SN2+, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे देखो H+ है रिएक्टेंट्स में और उसका कोएफिशिएंट है 2, तो ये चला जाएगा पार में, तो ये हो गया यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नर्स्ट इक्वेशन फॉर द गिवन सेल, राइट। तो पहला स्टेप हो गया हमारा, नर्स्ट इक्वेशन निकाल ली। अब हम निकालेंगे इसका EMF। तो EMF निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे ई नॉट ऑफ सेल। देखो ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, राइट तो देखो स्टैंडर्ड हमें दिया हुआ है टिन वाले का, टिन कहाँ पे हमारा, एनोड पे, ये है हमारा कैथोड पे। तो अगर तुम्हें याद हो, हाइड्रोजन को तो हम स्टैंडर्ड ही मानते हैं, राइट तो हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हम क्या वैल्यू फिक्स कर रखी है हमने, दैट इज इक्वल टू 0, राइट तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ई नॉट फॉर H+2H2 प्लैटिनम, दिस इज इक्वल टू 0। चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। तो यहाँ पे ये हो गया 0। अब ई कैथोड पे है हमारा ये, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ ई कैथोड है हमारा H+ से H2PT माइनस ई एनोड है हमारा SN से SN2+, बट रिडक्शन वाला ऑलरेडी दिया है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल ही पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा SN2+ से SN, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, तो वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस, इसकी वैल्यू देखो क्या गिवन है, माइनस 0.144 माइनस 0.14, बस इतनी लिख लेते हैं 14, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर प्लस 0.14 वोल्ट। ठीक है, तो ई नॉट सेल आ गया हमारा, तो ई नॉट सेल की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखो क्या बनेगा, ये यहाँ पे मैंने पुट कर दी 0.14, राइट। अब SN2+ की कॉन्सेंट्रेशन देखो क्या गिवन है, 0.05, तो इसको यहाँ पुट करो 0.05। ठीक है, और हमारी हाइड्रोजन H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है 0.02, तो 0.02 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.02 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना और जो भी आंसर आएगा मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।